पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सोमवार को आगरा जीआईसी मैदान में जनसभा है। लोकसभा चुनाव में सपा मुखिया की ये पहली रैली है। इसको लेकर सपा नेता लगातार तैयारियों में जुटे थे। अखिलेश यादव दोपहर 2 बजे आगरा के जीआईसी मैदान में इंडिया गठबंधन प्रत्याशी सुरेश चंद्र कर्दम और रामनाथ सिकरवार के समर्थन में सभा करेंगे। आपको बता दें कि तीसरे चरण के लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों में प्रचार तेज हो गया है। तीसरे चरण के मतदान वाली बरेली, बदायूं सहित अन्य सीटों पर पूर्व मुख्यमंत्री की ताबड़तोड़ रैलियां प्रस्तावित हैं। पीएम मोदी के कोठी मीना बाजार में चुनावी जनसभा के बाद सपा की इस रैली पर राजनीतिक दलों की खास नजर भी होगी। सपा भी इसमें अपनी भीड़ जुटाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। इस दौरान समाजवादी पार्टी के मजदूर सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री राहुल निगम वारसी, जिला अध्यक्ष श्री कृष्ण वर्मा और जिला महासचिव सुरेंद्र चौधरी ने संजय पैलेस चुनावी केंद्रीय कार्यालय पर संयुक्त रूप से प्रेसवार्ता कर बताया कि दोपहर करीब 2 बजे पार्टी अध्यक्ष जनसभा स्थल पर पहुंचेंगे, जिसके लिए हमने पूरी तैयारी भी कर ली है। लगभग हमारे अनुमान से ज्यादा यहां समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुनने आ रही है। प्रेसवार्ता के दौरान सैकड़ों की संख्या में समाजवादी और कांग्रेस कार्यकर्ता पदाधिकारी भी मौजूद रहे। आगरा से वंदे भारत के लिए पवन कटारा की रिपोर्ट। पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार मजदूर समाज की सबसे निचली दहलीज पे खड़ा है। सबसे जो अगर कोई कमजोर है तो हमारा मजदूर है। दलित, पिछड़ा, वांछित, अल्पसंख्यक जो मजदूर हमारा है उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। वो अपनी आवाज उठा नहीं पा रहा। अगर आवाज को उठा सकता है तो हमारे पत्रकार साथी ने दिला। उत्तर प्रदेश में पत्रकार साथियों पे 800 लगभग 800 मुकदमे दर्ज हैं और ये पत्रकार साथी सरकार को समाज का आईना दिखाने का काम करते हैं। इनकी अपनी कोई नहीं, समाज की समस्याओं को लड़ते हैं उन पर मुकदमे। जिस प्रदेश में प्रदेश के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम प्रदेश वापस हो रहे हो वहाँ पत्रकार साथियों के मुकदमे के नाम को इंडिया गठबंधन सरकार के बनते ही सबसे पहले पत्रकार साथियों के मुकदमे वापस होंगे। बन नहीं है और आप बना रहे हैं क्योंकि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये भी अपनी स्वतंत्रता का है। आप स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पा रहे हैं। नहीं है, अर्थहीन नहीं है तो मजदूर खड़ा होना पड़ा। इंडिया गठबंधन पार्टी का है वो मजदूर ही। अभी ये तो अमित शाह से पूछिए कि जैसा संपत्ति कितनी थी और कितनी होगी। जो परिवार की बात करते हैं ये तो उनके परिवार इनके हैं। आप पता के लिए जैसा ने आज तक कोई क्रिकेट और मिनिस्टर मन भी सामने आया। अब उसकी बात नहीं कर रहा। अब महंगाई बात करो। इंडिया गठबंधन पहली बार ये घोषणा करता है कि पत्रकार साथियों क्योंकि ये समाज सरकार को समाज का आईना दिखाने का काम करते हैं। ये समाज की लड़ाई लड़ते हैं। इनकी अपनी कोई लड़ाई नहीं और उन पर मुकदमे हो रहे हैं। सीएम डिप्टी सीएम उधर बहुत